हाँ, कौन सा क्वेश्चन? सबसे पहला क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छे समझो। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला को इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अभी हमने पढ़ाया क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्लोप के बारे में पढ़ाया है, ठीक है। यानी कि m इज इक्वल्स टू टैन थीटा पढ़ाया है, और m इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये पढ़ाया है। तो मैसेज दे दिया अगर देखना हो तो, ठीक। ये दो फॉर्मूले के बारे में हमने पढ़ाया है और स्लोप के बारे में पढ़ाया है। तो स्लोप को ही इसमें इस्तेमाल करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं करना है। और क्या प्रूव करना है? कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं। यानी कि ए बी सी डी ये चार वर्टिसेस हैं। किसके वर्टिसेस हैं? पैरेललोग्राम के। अगर हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, जैसे कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताओ, ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी। देखो, जब भी इस तरीके का सवाल आए तो ए बी सी डी साइक्लिक ऑर्डर में लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ए बी सी डी ये तरीका बिल्कुल सही है लेने का। अगर हम लोग ए बी सी और डी अगर हम लोग ऐसे लेते हैं, ए बी और ये सी और डी, ये तरीका बिल्कुल गलत है। कभी भी आप बनाओगे, कोई भी डायग्राम बनाओगे, चाहे आप पैरेललोग्राम बनाओ, चाहे आप ट्रायंगल बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, स्क्वायर बनाओ, क्वाड्रिलेटरल बनाओ, जो आप इसके वर्टिसेस की जो लेबलिंग करोगे, यानी कि ये वर्टेक्स को नाम दोगे। लेबलिंग का मतलब होता है कि वर्टेक्स को नाम देना। ये वाले वर्टेक्स को, यानी कि ये वाले कोने को नाम क्या दिया है? ए। तो साइक्लिक ऑर्डर में नाम देना है, और साइक्लिक ऑर्डर में नाम देना ही सही तरीका है। अगर आपने ए बी सी डी इस तरीके का ले लिया तो आंसर और आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। बात क्लियर है? पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है कि इसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, एंड इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल का मतलब क्या होता है? ये जो ऑपोजिट वर्टेक्स को जॉइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। यानी कि ये ए और सी आपस में ऑपोजिट कोने हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इन दोनों को जॉइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। तो ए सी क्या हो गया? डायगोनल हो गया। और बी डी भी क्या हो गया? डायगोनल हो गया, ठीक है। बी और डी आपस, यानी कि ऑपोजिट के वर्टेक्स हैं, ये आपस में जॉइंट हो रहे हैं, तो डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि अगर ये डायगोनल ओ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो ए ओ किसके बराबर होगा? ओ सी के बराबर। और डी ओ किसके बराबर होगा? ओ बी के बराबर। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। हम लोग यहां पर प्रूव करना है इसको। कैसे प्रूव करेंगे? इसकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके। पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? कि ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती हैं, और हमने स्लोप पढ़ाने के दौरान पैरेलल की कंडीशन क्या बताई थी? दोनों लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो उनके स्लोप भी सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लाइन ए बी का स्लोप निकालेंगे। ए बी का स्लोप कैसे निकालेंगे? ए पॉइंट को पहला पॉइंट मानेंगे,
और बी पॉइंट को दूसरा पॉइंट मानेंगे। ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट, सी और डी, चारों के कोऑर्डिनेट हम लोगों को मालूम है। ए का मालूम है 4.5, बी का मालूम है 1.2, सी का है 4.3 और डी का है 7.6। ठीक है, तो ए बी का स्लोप कैसे निकाल लेंगे मालूम है, y2 - y1 / x2 - x1 दूसरे फॉर्मूले से, यानी कि 2 पॉइंट फॉर्मूले से। इसी तरीके से हम लोग बीसी लाइन का क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, फिर उसके बाद डीसी लाइन का स्लोप निकालेंगे, फिर उसके बाद एडी लाइन का स्लोप निकालेंगे उसी फॉर्मूले से। बात क्लियर है, जैसे तुमने वाला क्वेश्चन किया था कोलिनियर वाला, उसी तरीके से स्लोप निकालेंगे। तो ऑपोजिट लाइन कौन कौन सी है, एबी और डीसी। अगर एबी और डीसी का स्लोप बराबर आता है तो ये पहली कंडीशन पैरेललोग्राम की हो गई। दूसरा क्या निकालना, अगर स्लोप ऑफ एडी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी आता है, अगर ऐसा आ जाता है दोनों केसेस में आ जाता है तो ये क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। समझ में आ गया, दोनों का स्लोप सेम यानी कि दोनों लाइन पैरेलल, और ये दोनों कौन सी लाइन है, ऑपोजिट लाइन है। ऑपोजिट देखो, एक होती है ऑपोजिट लाइन और दूसरी होती है एडजेसेंट लाइन। ऑपोजिट का मतलब होता है आमने सामने, यहां पे आमने सामने कौन कौन सी लाइन है, ए बी किसके सामने है, सी डी के सामने है, और बी सी किसके सामने है, ए डी के सामने, यानी कि ए बी और डी सी ऑपोजिट है और बी सी और ए डी ऑपोजिट है। अब एडजेसेंट का मतलब होता है बराबर वाली साइड, तो बराबर की कौन कौन सी साइड है, जैसे कि ए बी और बी सी ये आपस में एडजेसेंट साइड बोली जाएंगी, ए डी जे ई सी ई एन टी, एडजेसेंट साइड। ठीक, इसी तरीके से बी सी और डी सी भी क्या होगी, एडजेसेंट साइड, क्योंकि बराबर में है, एक दूसरे के बराबर है। इसी तरीके से सी डी और ए डी भी एडजेसेंट होगी और ए बी और डी ए भी एडजेसेंट होगी। बात क्लियर है, कैसे प्रूव करना है, तो सारी लाइन का हम लोगों ने स्लोप निकालना है और अगर ऑपोजिट लाइन का स्लोप अगर सेम आता है तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ठीक है, ये स्लोप निकालने का काम आप लोगों का है। क्वेश्चन नंबर 10, तरीका हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि हम लोगों को चार पॉइंट दिए हैं, उन चार पॉइंट को हम लोग मान ले रहे हैं पी क्यू आर और एस। P का कोऑर्डिनेट है -2.4, Q का है 4.8, R का है 10.7 और S का है 11.-5। ठीक है, ये चार पॉइंट गिवेन है। आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले तो ये बताओ क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, किसको मालूम है। क्वाड का मतलब होता है चार, ठीक, लैटरल, क्वाड क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, फोर साइड, यानी कि कोई ऐसी फिगर जिसके अंदर चार साइड्स हों, या फिर बोल सकते हैं कोई ऐसी फिगर जिसके अंदर चार कोने हों, कोने बोले तो वर्टिसेस हो, या फिर चार एंगल हो। और ये जो क्वाड्रिलेटरल होती है ये इररेगुलर शेप की होती है, इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। जैसे पैरेललोग्राम का स्पेसिफिक शेप होता है कि उसकी ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती हैं, तो क्वाड्रिलेटरल, अब यहां पर पैरेललोग्राम की भी कितनी साइड दिख रही है, चार साइड है, कितने कोने इसके, चार हैं, तो उसको भी क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। लेकिन क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल हो गई है तो उसका नाम क्या हो गया है, पैरेललोग्राम। इस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। अब जब बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल को जब भी बनाएंगे तो सारी साइड आपस में इस तरीके से बनाएंगे कि सब आपस में बिल्कुल अलग अलग हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। ये क्या बन गया, ये है क्वाड्रिलेटरल। अगर इसी शेप को हम लोग इस तरीके से बना दे कि इसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल हो गई तो ये क्वाड्रिलेटरल किसके बराबर हो जाएगा, पैरेललोग्राम की। बात क्लियर है, क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, ठीक है।
अच्छा, इसके जो हम लोग वर्टेक्स को लेबल करेंगे यानी कि वर्टेक्स को नाम देंगे यानी कि पी क्यू आर एस, तो किस ऑर्डर में नाम देंगे? साइक्लिक ऑर्डर में। नाम है उसका साइक्लिक ऑर्डर यानी कि पी क्यू आर एस। ठीक है, ये क्वेश्चन में इतना गिवन है। फिर क्या कह रहा है? शो दैट द कोऑर्डिनेटल ऑब्टेन ऑन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स इज अ पैरेललोग्राम। अब क्या कह रहा है कि इनकी जो साइड है, इस कोऑर्डिनेटल की साइड कौन कौन सी है? पी क्यू है, क्यू आर, आर एस और एस पी। सवाल क्या कह रहा है कि इसकी हर साइड का मिड पॉइंट निकालो। हर साइड का क्या निकालो? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का यहां पे बात आ गई है, तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या है? अगर एक पॉइंट ए है एक्स वन कॉमा वाई वन, दूसरा पॉइंट है बी एक्स टू कॉमा वाई टू, मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा एक्स वन प्लस x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2। बात क्लियर है? ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है। क्या निकालने का फॉर्मूला है? मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है। ठीक, तो जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले ले, एक पॉइंट a है उसका कोऑर्डिनेट है 4 comma 8 और दूसरा पॉइंट है भी उसका कोऑर्डिनेट है 2.0 ले लें, तो इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहां पर x1 क्या है बताओ भैया, क्या लिखें? क्या लिखें हम लोग बोलो? 4 प्लस 4 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा, फिर बताओ 8 प्लस 0 अपॉन 2 क्या आ जाएगा? 4 प्लस 2 6, 6 अपॉन 2 3, 8 प्लस 0 क्या होगा? 0 होगा, 8 होगा, 8 अपॉन 2 4, यानी कि जो लाइन AB से बनेगी उसका, उस लाइन का मिड पॉइंट कहां पे होगा? 3.4 पे होगा। समझ में आ गया मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? ठीक, तो अब कह रहा है कि सारी साइड का मिड पॉइंट निकालो। PQ का मिड पॉइंट यहां पे कहीं होगा, QR का मिड पॉइंट यहां पे होगा, इसका मिड पॉइंट यहां पे होगा, इसका मिड पॉइंट यहां पे होगा। ठीक है, मिड पॉइंट निकाल लिया। फिर कह रहा है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, अब उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। बात क्लियर है? इसको ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया और ये ज्वाइन किया। ठीक, बात क्लियर? अब कह रहा है कि ये जो मिड पॉइंट से जो कोऑर्डिनेटर बना, ये भी तो कोऑर्डिनेटर बना है। क्यों बना है कोऑर्डिनेटर? इसको कोऑर्डिनेटर क्यों बोला है? क्योंकि इसकी भी चार साइड है, इसकी भी चार वर्टेक्स है, चार एंगल इसके अंदर है। अब कह रहा है कि अब जो कोऑर्डिनेटर बना है मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से, अब इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? अभी पहले पैरेललोग्राम प्रूव किया है। क्या तरीका था पैरेललोग्राम प्रूव करने का? सारी साइड का क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे सारी साइड का। सपोज दैट इसका नाम रख दे ए, इसका नाम रख दे बी, इसका नाम रख दे सी, इसका नाम रख दे डी। स्लोप निकालेंगे ए बी का, स्लोप निकालेंगे बी सी का, सी डी का और डी ए का। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर आता है, अगर डी सी के बराबर आता है तो ये पहली कंडीशन प्रूफ हो गई है। दूसरी कंडीशन क्या, अगर स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी आता है तो ये पूरा प्रूफ हो गया। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं? कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ। मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ए कैसे निकालेंगे? पी क्यू से। फॉर्मूला हमने बता दिया है, फॉर्मूला क्या है मिड पॉइंट का? एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। सेक्शन फॉर्मूला, हाँ, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये वाला
वो डिस्टेंस फॉर्मूला ये बात कर लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला में तब पढ़ाएंगे y2 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 minus x1 का होल स्क्वायर का होल रूट। डिस्टेंस फॉर्मूला इससे पहले वाला चैप्टर है, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। तो समझ में आ गया वाला सवाल कैसे करना है? ठीक है, आगे कोई भी प्रॉब्लम हो तो अभी बता दो। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों को एक फिगर गिवेन है और उसके साथ साथ हमें कार्टेशियन प्लेन भी गिवेन है और हमारे पास एक ट्राइंगल गिवेन है, और वो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है जरा बताओ पढ़ के, वो ट्राइंगल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 बोलने बेटा कहां भैया? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है पहली चीज। दूसरी चीज बताओ, इसको हम लोग लेबल कर दें तो ए बी और सी, ठीक है। और भी कुछ गिवन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है अंडरस्टूड है, ये वाई एक्सिस है, ये जीरो है यानी कि ओरिजिन है, ओ है, ठीक। तो अब बताओ, अब इक्विलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है जरा हमें ये बताओ। उसकी सारी साइड इक्वल पहली प्रॉपर्टी हो गई, फिर उसके बाद पहली प्रॉपर्टी लिख दे रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी इज इक्वल टू साइड सी ए, बात क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके स्लोप सेम नहीं होते, ये गलत बिल्कुल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। और बताओ प्रॉपर्टी इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होती है, इसके इसके कितने, इसके अंदर कितने एंगल है? तीन एंगल है, तो तीनों एंगल की वैल्यू होती है 60 डिग्री, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि ये किसके बराबर है 60, ये 60, ये 60, बात क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक, अच्छा ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। यही दो प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि सारी साइड आपस में इक्वल होती है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सारे एंगल्स की वैल्यू क्या होती है 60 डिग्री होती है, बात क्लियर है। अब क्या पूछा है इसमें, फाइंड द स्लोप्स ऑफ ऑल इट्स साइड, यानी कि सारी साइड का अपन लोगों ने क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, यानी कि ए बी का स्लोप निकालना है, बी सी का स्लोप निकालना है और सी ए का स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के अपन लोग हमने कितने तरीके सीखे थे, दो तरीके सीखे थे, ठीक है, एक पॉइंट वाला, दो पॉइंट, और एक थीटा वाला यानी कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन वाला। तो अब यहां पे कौन सा इस्तेमाल होगा जरा ये बताओ, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है चलो चलते हैं। सबसे पहले साइड हम लोग उठाते हैं एसी का, तो एसी के लिए साइड एसी है, ये लाइन है, एसी तो लाइन है ना, एसी लाइन है ना, इसी का तो हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। इसके लिए एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होगा बताओ, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इसके लिए क्या होगा, 180। क्यों 180 होगा, क्या 180? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहां से लेते हैं बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वो लाइन। भैया ये जो लाइन एसी है इसको हम आगे एक्सटेंड कर दें, सर ये क्या कह रहे हैं आप, इसका मतलब ये है कि इसको हम आगे बढ़ा दें, ठीक बढ़ा दें। इसमें ये भी दिया है कि इसका जो बेस है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, क्वेश्चन देख लो बेस किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, इसका बेस किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल है बेस, तो हमें बेस का भी तो स्लोप निकालना है ना, तो बेस का स्लोप किसके बराबर होगा, बेस का स्लोप बराबर होगा भैया, बेस जिसके पैरेलल होगा उसी लाइन के बराबर उसका स्लोप होगा, बेस किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस का स्लोप याद कर लो, एक्स एक्सिस का स्लोप होता है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू जीरो, फिर उसके बाद स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, याद कर लो, तभी हमने ये वाला सवाल बताने को लो बोला था।
एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? जीरो. वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है? इनफाइनाइट. हाँ, ये फिक्स्ड रहता है. एक्स एक्सिस का जो स्लोप है ये बिल्कुल फिक्स हो गया. वाई एक्सिस का स्लोप क्या है? इनफाइनाइट हो गया. कहना तो बता देंगे कैसे निकाला. ठीक, तो यानी कि हमें बेस का भी स्लोप निकालना है, इस साइड एसी का निकालना है और साइड बीसी का निकालना है. तो बेस का तो हमारे पास आ गया स्लोप, क्या आ गया है? जीरो आ गया, क्योंकि बेस किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल. बात क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं एसी की तरफ. तो भैया पैरेलल लाइंस है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा? क्यों इक्वल होगा? कौन से, क्या कंडीशन है इसकी, क्या रीजन है इक्वल होने का? इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग्स एंगल आर इक्वल. इसको क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग्स एंगल. अच्छा ये सर ये क्या होता है जरा ये बताइए भैया. कुछ नहीं होता, दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ये पैरेलल लाइंस है, याद कर लो. दो पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन को इस डबल एरो से डिनोट करते हैं, ये तो मालूम है. ठीक है, पैरेलल लाइन को अगर कोई भी एक लाइन बाइसेक्ट मतलब कि इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, ठीक है, कहीं पर भी ऐसी फिगर देखो, तो भैया ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है. कैसे इक्वल होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं. ठीक, और ये वाला एंगल देखो, अब एक चीज और देखो, ये 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 क्या बन रहा है? जेड बन रहा है, जेड बन रहा है. ठीक, तो यानी कि ये वाला एंगल, इसको हम दूसरे कलर से डिनोट कर रहे हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है जब पैरेलल लाइंस होती हैं. नहीं, इसका रीजन है बेटा अल्टरनेट एंगल्स. क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं. तो दो चीजें आप आपने आज सीखी. अगर कोई भी पैरेलल लाइंस, हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, उसको एक लाइन इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं. अब अल्टरनेट एंगल, सर ये बताइए अल्टरनेट एंगल कैसे पहचाना जाए, करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे पहचाना जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग वाला है. ठीक है, ये देख करके, जो ये वाला है ये देखो, इस पैरेलल लाइन के ऊपर ये वाला एंगल है, इसी के करस्पॉन्डिंग इस पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल ये है, तो ये आपस में इक्वल होगा. तो करस्पॉन्डिंग पहचानने का ये तरीका है. बात क्लियर है? जैसे कि इस पैरेलल लाइन के ऊपर ये वाला एंगल है, तो ये किसके इक्वल होगा? ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा. बात क्लियर है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं. अच्छा, आपने करस्पॉन्डिंग वाला तो बता दिया, अब अल्टरनेट कैसे पहचाने? तो भैया चलो आओ दूसरी दूसरी स्लाइड पे. पैरेलल लाइन फिर से बना रहे, ठीक, ये हमने फिर से एक लाइन बना दी इंटरसेक्ट करती हुई लाइन. जब कभी भी आप पैरेलल लाइन के बीच में एक जेड बनता हुआ देखो, क्या बनता हुआ देखो? जेड बनता हुआ. तो जेड का ये जो ये वाला जो अंदरूनी वाले जो एंगल्स होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सब क्या कहलाते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं. बात क्लियर? ऑल्टरनेट एंगल कैसे पहचानेंगे? जब Z बनेगा तो Z के अंदर जो एंगल्स होंगे ये वाले और ये वाले, ये क्या कहलाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे. बात क्लियर है? ठीक है. अच्छा, तो अब यहां पर देखो, ये हमारे पास अभी जो हमने सिखाया है वही चीज यहां पर इंप्लीमेंट होगी, वही चीज यहां पर लगेगी. क्या? ये पैरेलल लाइन है, एक लाइन इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. रीजन क्या? ऑल्टरनेट एंगल या करस्पॉन्डिंग? करस्पॉन्डिंग एंगल. समझ में आ गया? और यही एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन. क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन. समझ में आया? ये वाली लाइन, भैया लाइन को अगर बड़ा कर दे तो क्या स्लोप उसका छोटा और बड़ा हो सकता है? लाइन को अगर हम खींच दें कोई फर्क पड़ेगा स्लोप से? नहीं, कोई स्लोप पे फर्क नहीं पड़ेगा. लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं. बात क्लियर है? तो यानी कि इस लाइन एसी, इस लाइन एसी का स्लोप क्या हो जाएगा? टैन 60. और टैन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है. बात क्लियर है?
रूट थ्री। तो एसी का स्लोप क्या आ गया, रूट थ्री। एबी का स्लोप क्या हो गया, जीरो। अब ये बताओ, अब इस बीसी का स्लोप कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? बीसी का स्लोप निकालने के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा चीज क्या करेंगे, लाइन एक्सटेंड कर देंगे। कौन सी लाइन एक्सटेंड करेंगे, कौन सी लाइन एक्सटेंड करेंगे, बीसी वाई लाइन एक्सटेंड करेंगे। ये समझ में आ रहा है क्यों एक्सटेंड करेंगे, एंगल निकालने के लिए। अच्छा, एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं भैया? सर आपने बताया था एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस से लेते हैं, कहां से लेते हैं, एक्स एक्सिस से। लेकिन ये जो हमारी फिगर है ये एक्स एक्सिस से काफी ऊपर है, तो कैसे ले लें? तो भैया ऐसा करो कि उसको एक्सटेंड कर दो। जब एक्सटेंड कर दोगे तो एक्सटेंड करने से स्लोप बिल्कुल सेम रहेगा, स्लोप पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? बस हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक एंगल मिल जाएगा, यानी कि एंगल लेने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन लेते कहां से है, एक्स एक्सिस से ही लेते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? कोई अगर कॉल पे ही लड़ रहा है, ठीक, कोई अगर कॉल पे ही लड़ रहा है, मामला तब तक के नहीं सुलझेगा जब तक के वो आएगा नहीं, ठीक है? यानी कि उसको हमारे लेवल पे आना चाहिए, तब फिर हो सकता है कुटाई कुटाई हो जाए, मारकूट हो जाए, मारपीट हो जाए, ठीक है? फिर उसके बाद मामला आखिरी में हल भी हो जाए। तो पहले तो हमें उसको बुलाना पड़ेगा ना, कॉल पे कहते नहीं भैया कॉल पे ना बात करो, कॉल पे ये सब बातें नहीं होती हैं, उसको बुलाओ, ठीक है? तो यार यहीं पे ये काम हुआ है कि एक्स एक्सिस पे पहले बुलाया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही हम लोग काम करते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का। अब इसी तरीके से बीसी वाला जो लाइन है तो क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे नीचे। भैया क्यों नीचे, नीचे बुलाना पड़ेगा इसको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन निकालने के लिए। अब बताओ, अब ये एंगल की वैल्यू क्या होगी, यही तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, अब इसकी वैल्यू बताओ। गलत। 180 एक सिंगल लाइन की होती है, ये सिंगल लाइन थोड़ी है। देखे कौन पहुंचता है, कौन पहुंचता है, नहीं 80 भी नहीं, क्या बोली है, 80 30, नहीं 30 भी नहीं होगी इसकी वैल्यू, क्या बोली, 120। तो बिल्कुल सही है, हाँ सही है। देखो कैसे, ये देखो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है तो कम आ रहा है, सही लग गया। ये देखो पैरेलल लाइंस है, यानी कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल हमने बताए थे, ये भी 60 होगा ये वाला। भैया इस एंगल के इक्वल ये वाला होगा 60, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये हमारे पास 60 आ गया। पूरा कितना डिग्री का होता है, 180 का, तो 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। अब हमको ये वाले एंगल से मतलब है बाबू, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले एंगल से मतलब है, हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ नहीं जाना है, हमें लाइन को किसकी तरफ ले जाना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ले जाना है। बात क्लियर है? तो 120, यानी कि हमारा जो स्लोप इसका आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, टैन 120 आ जाएगा, ठीक है? टैन 120 की वैल्यू होती है, टैन 120 को क्या लिखते हैं, 180 माइनस 60 लिखते हैं। 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक आपके पॉजिटिव होते हैं, और टैन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो टैन 60, और टैन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस अंडर रूट 3। सर आपने ये बोल क्या दे दिया, ऐसा चला गया बाउंस, ऐसा मारी हो कि पकड़ ही नहीं पाए, ठीक है? तो इसको बाउंस ही रहने दो, नहीं तो जो कुछ भी सीखा है वो भी बाउंस हो जाएगा, ठीक? तो बस ये समझ लो कि स्लोप कैसे निकालते हैं, और इस सवाल को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये सवाल आएगा, ये बोर्ड्स में भी आएगा, और आपके प्रीलिम्स में भी आएगा, आपके हाफ ईयरली में भी आएगा, अगर सिलेबस में होगा ये सवाल 110% आएगा, ठीक है? अब एक और सवाल आगे, क्वेश्चन नंबर, हाँ बिल्कुल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हैं? ठीक।
120 कैसे आया था? चलो अच्छी बात है भैया, 120 कैसे आया था, किसको समझ में आ गया जरा बताओ। हाँ बताओ, हाँ बताओ, 120 कैसे आया था? नहीं कैसे है बताना भी है, इसका मतलब नहीं आया। ऊपर वाला जो एंगल 60 है बिल्कुल सही। इनका कहने का मतलब यह है कि ये वाला एंगल क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 60, तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल में ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपस में इक्वल होते हैं बाय करस्पॉन्डिंग। ठीक है, जब ये 60 हो गया फिर 180 से माइनस कर देंगे हम। 60 से क्यों नहीं चल रहे, हम लोग 60 से क्यों नहीं चल रहे? सवाल मेरा ये है कि हम लोग 60 से क्यों नहीं चल रहे हैं, हम लोग 120 क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस की किधर चलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलते हैं। ये जो 60 है ये किस तरफ जा रहा है भैया, ये नेगेटिव साइड जा रहा है, और ये जो 120 है ये पॉजिटिव साइड, और हमको यही साइड लेना है। बात क्लियर है 120 क्यों आया, और tan 120 की वैल्यू बस रट लो क्या होती है, माइनस अंडर रूट 3। हाँ ये हम लोग, ये हम सिखाएंगे इसकी वैल्यू निकालना ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में, पोर्शन में। ठीक है, ठीक है, आगे अब क्या है, अब एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, जरा देखे कौन बता पाता है। एक्स वाई ओरिजिन, ठीक, ये क्या है, हमारे पास स्क्वायर है, और ये कुछ बोल भी रहा है कि इसकी पैरेलल साइड्स भी हैं, यानी कि किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ए बी सी डी, देखा साइक्लिक ऑर्डर में लेबल है बुक में भी, तो साइक्लिक ऑर्डर में लेना है। क्या पूछा है, फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल इट्स साइड्स, सारी साइड्स का स्लोप निकालो। जो शुरू कहां से करें, ए बी से शुरू करते हैं। ठीक है, बताओ ए बी का स्लोप क्या होगा, बताओ ए बी का स्लोप क्या होगा, गलत, बिल्कुल गलत, अभी हमने निकाला है यार, गलत, स्लोप पूछ रहे हैं, थीटा नहीं पूछ रहे हैं। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, आई एम आस्किंग अबाउट व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी, है बिल्कुल सही, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। क्यों, रीजन क्या है भैया, ए बी का स्लोप किसके बराबर होगा, एक्स एक्सिस के स्लोप के बराबर का होगा, क्योंकि ए बी किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, जीरो, तो ए बी का स्लोप क्या हो गया, जीरो, ए बी का स्लोप जीरो हो गया। ठीक है, चलो बी सी की तरफ चलते हैं, बी सी, बी सी का स्लोप बताओ क्या होगा, बी सी किसके पैरेलल दिख रहा है, है एडी के पैरेलल दिख रहा है, क्योंकि जो हमारा स्क्वायर होता है उसके स्क्वायर की ऑपोजिट साइड भी आपस में पैरेलल होती है। अब एडी किसके पैरेलल है, पैरेलल दिख रहा है, तुम तो वहीं पे घुमा रहे हो, बीसी एडी के पैरेलल और एडी बीसी के पैरेलल। अरे भैया बीसी पैरेलल है वाई एक्सिस के, जो हमको स्लोप मालूम है, हमको किसका स्लोप मालूम है, एक्स एक्सिस का स्लोप मालूम है और वाई एक्सिस का स्लोप मालूम है, तो उसी के प्रेफरेंस में, उसी के रिलेटिव में हमें निकालना है ना, तो बीसी का स्लोप क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस का नहीं होगा, वाई एक्सिस के स्लोप के बराबर होगा, और वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है, इनफाइनाइट, अभी बताया था। तो भैया एडी का भी स्लोप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, भैया डीसी का भी स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो, बताओ जीरो क्यों हो जाएगा,
डीसी का पैरेलल होगा एबी के, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? देखो डीसी किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो डीसी का स्लोप एक्स एक्सिस के स्लोप के बराबर होगा। पैरेलल साइड की कंडीशन क्या होती है? क्या सेम होता है? स्लोप सेम होता है, यही तो बताया था हमने। हमें स्लोप निकालना है एबी का या फिर हमें डीसी का स्लोप निकालना है। तो ये डीसी साइड किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस का स्लोप हम लोगों को मालूम है पहले से ही, पहले से हमारे भेजे में डाल दिया गया कि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है? जीरो। वाई एक्सिस का स्लोप क्या है? इनफाइनाइट। बस हो गया सवाल, ठीक। अब कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द स्लोप ऑफ इट्स डायगनल। डायगनल क्या होता है? डायगनल हमने अभी क्या बताया था? डायगनल होता है ऑपोजिट वर्टेक्स को जॉइन करने वाली लाइन को बोलते हैं डायगनल। अगर कल हमको काम नहीं मिला तो पनिशमेंट के लिए सब तैयार हो जाओ, ठीक। ये क्या है डायगनल? डायगनल का भी क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। अच्छा ये कौन सी फिगर है? ये कौन सी फिगर है? इस फिगर का नाम क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर के जो डायगनल होते हैं वो इस एंगल को, सबसे पहले तो स्क्वायर की कंडीशन लिखो, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी, ऑल साइड आर इक्वल, यानी कि साइड ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। दूसरी कंडीशन क्या है? हर एंगल 90 डिग्री होता है। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये डायगनल एक पॉइंट पे मिलते हैं, और डायगनल कहां पे मिलते हैं? इसके मिड पॉइंट पे और इसके मिड पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें ये डायगनल इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45। ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 45। ये 45 और ये 45। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब बताओ डीबी डायगनल का स्लोप क्या होगा? डीबी डायगनल की बात कर रहे हैं, किसी को देखना नहीं, और सिर्फ डीबी के ऊपर कंसेंट्रेट करो और डीबी के लिए स्लोप निकालो। किस तरीके स्लोप निकालेंगे? हाँ बिल्कुल सही, किसको माइनस करेंगे 180 से? 45 को, बिल्कुल सही। सबसे पहले तो ऐसे नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको एक्सटेंड करेंगे बेटा। एक्सटेंड कर दी, एक्सटेंड करने के बाद ये एंगल क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, और हमको ये वाले एंगल से मतलब है। ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे? 180 माइनस 45, ठीक। अब डायगनल एसी का स्लोप निकालो, तो सिर्फ और सिर्फ एसी पे देखना है। एसी का स्लोप कैसे निकालेंगे? तो भैया एसी को क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये पैरेलल लाइंस है, ये 45, तो ये क्या हो जाएगा? 45। तो एसी के लिए थीटा क्या हो गया? 45 हो गया। नहीं समझ में आया है? आया कि नहीं आया है भैया? ये पैरेलल लाइंस है, ये लाइन हमने एक पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन है, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है बाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बात क्लियर हुई? समझ में आया? यानी कि ये वाला एंगल अगर 45 है तो भैया ये वाला एंगल भी क्या होगा? 45 होगा। तो इसके लिए थीटा क्या हो गया? 45। यानी कि एसी के लिए जो स्लोप आएगा वो क्या होगा? tan 45। और tan 45 की वैल्यू होती है 1। फिर उसके लिए डीबी के लिए जो स्लोप आएगा वो क्या होगा? tan 180 माइनस 45, यानी कि 180 माइनस 45 अगर हम लिखते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1, ठीक है। इसको भी याद कर लेना है, tan 135 की वैल्यू माइनस 1। अभी याद कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री वाला जब हम लोग चैप्टर करेंगे तो वहां पे ऐसे वाले एंगल्स की वैल्यू निकालना हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से वैल्यूज निकालते हैं। बात क्लियर हो गई?
वाला सवाल समझ में आ गया, ठीक है। तो अब इसी तरीके का सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, ये ट्राई करना है, और इसी तरीके का सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, ये भी ट्राई करना है आप लोगों ने। हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, और दूसरी क्या चीज निकालनी है, इंक्लाइनेशन निकालना। स्लोप का मतलब स्मॉल m, अरे स्मॉल m, इंक्लाइनेशन का मतलब थीटा, यानी कि हम लोगों को स्लोप निकालना है, m की वैल्यू निकालना है और थीटा की वैल्यू निकालना है। हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं, पहला और तीसरा आपको करना है। दूसरा पार्ट में क्या दिया है हमको, एक पॉइंट दिया है a, यानी दो पॉइंट दिए, 0, -√3 एंड, और दूसरा पॉइंट है b, इसका कोऑर्डिनेट है 3, 0। बताओ भैया स्लोप कैसे निकालेंगे, हाँ स्लोप आप कैसे निकालेंगे, कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, बस हमें फॉर्मूला बताओ, टेन थीटा से या फिर उससे, कौन सा फॉर्मूला बताओ, टू पॉइंट फॉर्मूला, नाम सही बताया फॉर्मूला लेकिन याद नहीं है, y2 - y1 / x2 - x1। तो यहाँ पर x1 y1 ले लेंगे, x2 y2 ले लेंगे और स्लोप निकाल लेंगे, हम निकाले दे रहे हैं। ये क्या ले लिया x1, ये क्या ले लिया y1, ये क्या ले लिया x2 और ये क्या ले लिया y2। तो m = y2 - y1 / x2 - x1। y2 क्या है, 0 + √3 / 3 - 0, ये क्या आ जाएगा √3/3। अब इसको कैसे करेंगे, इस डिनोमिनेटर में 3 को क्या लिखेंगे, √3 × √3, समझ में आया, √3 × √3 क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के 3 तो बनेगा, √3 × √3 को मल्टीप्लाई करो, जब √3 × √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √9 आएगा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, तो वही तो लिखा हमने, बात क्लियर है। ये से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, 1/√3, यानी कि हमारे पास स्लोप क्या आ गया, 1/√3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, थीटा, तो भैया थीटा की कौन सी वैल्यू पे टैन की वैल्यू 1/√3 होती है, थीटा की कौन सी वैल्यू पे, 60, शाबाश, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 60 हो गई, 60 डिग्री आंसर, समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक। फिर उसके बाद एक लास्ट वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें 3 पॉइंट गिवन है, हम उसका नाम दिए दे रहे हैं, ए पॉइंट का एक पॉइंट है ए, के कॉमा 3, 2, -4 और सी पॉइंट क्या है, -k + 1 - 2। ये तीनों पॉइंट क्या गिवन है, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलीनियर है, क्वेश्चन पढ़ो जरा, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलीनियर है। 19, ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्या गिवन है, कि ये तीनों पॉइंट आपस में ये कोलीनियर है, कोलीनियर का मतलब क्या होता है बेटा, अरे सवाल कर चुके हो भैया तुम लोग, कोलीनियर का मतलब क्या होता है, सेम स्ट्रेट लाइन पे ये तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम लोग के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग ए बी का स्लोप निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी होगा, क्योंकि ये कोलिनियर तो गिवन है, एक लाइन पे है, जब कोई भी तीन पॉइंट एक लाइन पे होते हैं
तो ये स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होगा। तो अब इसको जब हम पहले हम लोग निकालेंगे ए बी का स्लोप निकालेंगे, कैसे स्लोप निकालेंगे भाई, टू पॉइंट से निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर उसकी इसी तरीके से हम लोग बी सी लाइन का हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे और k की वैल्यू के लिए सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सम करना है।